दोनों को भी सेक्स करने की इच्छा है मगर लिंग कठोर नहीं होता, क्या करें? इसके बारे में बात करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। अकोला में हमारा हॉस्पिटल है। क्या दोनों को भी इच्छा है पति पत्नी को सेक्स करने की, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोनों को भी इच्छा है मगर लिंग में टाइटनेस नहीं आता या कठोरता नहीं आती है, और फिर बहुत प्रॉब्लम आ जाता है? एक तो पत्नी बोलती है पति को कि करो इच्छा है मेरी, और पति बोलता है कि मुझे है ना सर दर्द कर रहा है, मुझे तो पेट ठीक नहीं है, मतलब ऐसा कुछ तो भी कारण बताएगा और वो करेगा नहीं, हालांकि उसकी भी इच्छा है करने की। फिर वो कोई बहाने बताएगा और कोई बहाने बता के दूसरे रूम में चले जाएगा। फिर बहाना एक दो दिन तो निकल जाएंगे बहाने में, एक दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कितने दिन बहाने बनाएंगे? फिर औरत को डाउट आने लगता है कि भाई अभी हुआ क्या, ये करता ही नहीं है सेक्स। उसकी भी इच्छा होती है मगर बोल नहीं सकता, बोलता भी नहीं है। अब मेरा कहना ऐसा कि बोलना चाहिए, साफ सुथरा आप यदि बोल देते हैं अपने पत्नी को कि भाई देखो मेरी भी इच्छा होती है मगर लिंग में कठोरता आती नहीं है और इसका इलाज करना जरूरी है, ऐसा यदि बोल दिया खुला खुला, तो क्या हो जाएगा, बहुत सारा दिमाग का टेंशन निकल जाएगा और पत्नी भी कोऑपरेट करेंगी इलाज करने के लिए। तो फिर इलाज क्या है? एक तो आपको देखना पड़ेगा कि डायबिटीज है क्या, शक्कर की बीमारी है क्या, उससे प्रॉब्लम हो सकता है, शुगर है, डायबिटीज है, मधुमेह है, या फिर आपको मोटापा है, बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, मोटापा है, ओबेसिटी है, फैटी है, और बहुत ज़्यादा वजन होने से भी प्रॉब्लम आता है, पेनिस के अराउंड बहुत ज़्यादा फैट है तो उसमें भी प्रॉब्लम आता है फिर इंसर्शन के लिए, फिर तंबाकू, सिगरेट स्मोकिंग या क्या उसमें फर्क पड़ता है तो वो छोड़ना पड़ेगा, यदि आपको उच्च रक्तचाप है, हाई ब्लड प्रेशर, तो उसमें प्रॉब्लम आता है और उसका इलाज करना जरूरी है, यदि उसकी दवाइयाँ चालू है तो वो दवाइयों से भी इरेक्शन में प्रॉब्लम आता है तो वो दवाई बदलनी पड़ेगी, या फिर थायराइड हार्मोन के टेस्ट करने पड़ेंगे क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म है क्या, या बाकी भी हार्मोनल टेस्ट करने होंगे। सीरम टेस्टोस्टेरोन आप देखते हैं तो मालूम पड़ेगा कि वो उसकी लेवल नॉर्मल है, लो है, तो ये सभी जांच करने के बाद में यदि ऐसा निकलता है उसमें से निरीक्षण कि भाई बाकी तो कुछ भी नहीं है, सब नॉर्मल है, तो फिर हमको देखना पड़ेगा कि भाई पति पत्नी में कोई विसंवाद हुआ है क्या, उनका जमता नहीं है, पट्टा नहीं है, या इसके दिमाग में क्या चल रहा है, भाई डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, वरी है, टेंशन है, इसके वजह से इरेक्शन नहीं आ रहा है, या फिर देखना पड़ेगा कि भाई सब कुछ तो ठीक है मगर बचपन में कुछ तो भी घाव हो गया, घाव लग गया, बचपन में कुछ तो भी गलतियां किया और उसके वजह से ऐसा हो रहा है, या क्या उसको होमोसेक्सुअलिटी है इसलिए वो पत्नी के साथ में करना नहीं चाहता, मतलब है क्या, तो डीप में जाना पड़ेगा। और सब करने के बावजूद भी यदि होता नहीं तो फिर हम बोलते हैं उनको ठीक है भाई पति पत्नी का काउंसलिंग करेंगे। यूजुअली काउंसलिंग में हिप्नोथेरेपी मैं करता हूँ, हिप्नोथेरेपी में प्रॉब्लम छूट जाता है। हम मास्टर्स एंड जॉनसन टेक्निक करने लगाते जिसमें सेंसेट फोकस को बहुत महत्व दिया जाता है, सेंसेट फोकस करना, दवाइयाँ भी देते हैं और PDE5 इनहिबिटर्स जो दवाई है वो दवाई देते हैं, उसमें कभी कभी मैं एलोपैथी भी दवा देता हूँ और उसके साथ साथ होम्योपैथी भी दवा देता हूँ, तो दवाइयाँ, और फिर अमेरिकन मेथड जो है सेंसेट फोकस की, मास्टर्स एंड जॉनसन टेक्निक वो देते हैं। फोर प्ले में बहुत ज़्यादा जोर हम देते हैं कि फोर प्ले करो, एक दूसरे को स्टिम्युलेट करो, आपसी मतभेद निकलने दो, और उसमें आप यदि बराबर खेलते हैं, फोर प्ले करते हैं, फिर क्लाइटोरिस को स्टिम्युलेशन करते हैं तो पत्नी ज़्यादा एक्साइट हो जाती है, फिर वो ज़्यादा एक्साइट होती है, फिर वो भी हस्बैंड को अपने एक्साइट करेंगी और उसमें फिर फायदा हो जाता है। तो इस तरीके का इलाज हम कर सकते हैं, काफ़ी लोगों की जान बच सकती है, जान इसलिए कि कुछ दिन पहले मेरे पास में एक लड़का आया, बोले कि मुझे इरेक्शन नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया, तो एक दिन मैं थक गया था और उस दिन मैं कर नहीं पाया, उस दिन से मेरे मन में बहुत धौस बैठ गई, फिक्र चिंता बैठ गई कि अभी क्या हो गया, उस दिन से मैं टाल रहा हूँ, कुछ ना कुछ बहाने बना रहा हूँ, और अभी ऐसा मुझे लगता है कि मैंने खुदकुशी करना चाहिए क्योंकि मैं वो लायक का नहीं हूँ, मैं ऐसा बोल भी नहीं सकता मेरे पत्नी को और मैं खुदकुशी कर दूँगा। मैंने उसको ये बताया कि नहीं भैया आपको तो इलाज करना होगा, जो दिल में आपके बैठा हुआ है एक धौस बोलो या एक ऐसा थ्रेट
कि नहीं जमेगा या चिंता, वो निकालनी पड़ेगी। वो हमने उनका काउंसिलिंग किया और सिर्फ काउंसिलिंग का, बिना दवाई का अच्छा हो गया। हमारा ज्यादा जोर बिना दवाई के ट्रीटमेंट में रहता है, क्योंकि दवाई का क्या होता है, जितने दिन आप दवाई लेते हैं उतने दिन वो ठीक हो जाता है और बाद में क्या। तो इसलिए बिना दवाई का इलाज होना जरूरी है। और मेनली पति पत्नी का काउंसिलिंग, हिप्नोथेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, इसके ऊपर हम जोर देते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो। डॉक्टर केकर ऐप है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके ऊपर भी आप चैटिंग कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं।